नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। वीके न्यूज चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, वीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं पूजा कुमारी। आज दिनांक 8 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में गया वन प्रमंडल गया की ओर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, वन संरक्षक गया वन प्रमंडल गया, वरीय पुलिस अधीक्षक गया वन प्रमंडल पदाधिकारी गया वन प्रमंडल गया, कुल सचिव दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, अध्यक्ष दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, संकाय सदस्यगण, लगभग 250 छात्र छात्राएं एवं अन्य द्वारा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के परिसर में 2000 पौधे रोपित कर 75वां वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया द्वारा कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे पर्यावरणीय बदलाव से औसत तापमान में काफी हो रही है। अगर आज पौधे लगाए जाएंगे तो भविष्य में भावी पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। पौधे लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण करना भी अति आवश्यक है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पौधे रोपित करना आवश्यक है। श्री एस शून्य सुधाकर भाषून्य व शून्य से शून्य वन संरक्षक गया वन अंचल गया द्वारा प्राकृतिक व्यवस्थाओं के संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने हेतु कहा गया एवं अन्य लोगों को जागरूक करने हेतु उपस्थित लोगों से अपील की गई। श्री आशीष भारती वरीय पुलिस अधीक्षक भाषून्य से शून्य गया द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अपने साथ साथ अपने माता पिता एवं आस पड़ोस के लोगों को पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। पर्यावरण को आज हम सुरक्षित नहीं रखे तो निकट भविष्य में उससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। जिला अंतर्गत सभी थाना परिसरों में जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष पौधे रोपित किए जाने की जानकारी दी गई। श्री शशिकांत कुमार भाष शून्य व शून्य से शून्य वन प्रमंडल पदाधिकारी गया वन प्रमंडल गया द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी विभागों के सहयोग से गया वन प्रमंडल के अंतर्गत लगभग 9.5 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। लक्ष्यों के अनुरूप वर्षाकालीन जीविका कृषि वानिकी संस्थान एनजीओ सरकारी विभागों पौधारोपण हेतु की जा रही तैयारियों क्रियान्वयन की स्थिति एवं उसकी प्रगति के संबंध में प्रतिदिन नजर रखी जा रही है। सभी के सहयोग से इस बार निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रो कामेश्वर नाथ सिंह कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया श्री एस शून्य सुधाकर भाष शून्य व शून्य से शून्य वन संरक्षक गया वन प्रमंडल गया श्री आशीष भारती वरीय पुलिस अधीक्षक भाषून्य पोशून्य से शून्य वरीय पुलिस अधीक्षक गया श्री शशिकांत कुमार भाषून्य व शून्य से शून्य वन प्रमंडल पदाधिकारी गया वन प्रमंडल गया, कुल सचिव दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, अध्यक्ष दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, संकाय सदस्यगण एवं लगभग 250 छात्र छात्राएं आदि उपस्थित हैं। यह जो वन महोत्सव है यह काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आज यहाँ पर गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मनाया जा रहा है। और इससे पहले मैं यहाँ पर अभी पंचानपुर थाने का आज से शुभारंभ भी किया गया है, वहाँ पे भी पौधारोपण किया गया है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार तथा वन विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। गया पुलिस भी लगातार जो वन संरक्षण के लिए कार्य कर रही है और इस वर्ष वन विभाग के सहयोग से 3000 से ज़्यादा पौधे गया पुलिस के द्वारा गया पुलिस के प्रतिष्ठानों में लगाया गया है। और साथ ही साथ
जो पूरे सभी लोगों से, मैं गया जिले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ताकि भविष्य के लिए हम लोग एक बेहतर जो अर्थ है उसको संधारित कर सकें। महोत्सव का जो कार्यक्रम आज दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुआ वन विभाग के सौजन्य से, यह केवल व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, किसी एक विभाग का कार्यक्रम नहीं, यह जन जन का कार्यक्रम बने, क्योंकि यह हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इस संकल्प को लेकर के हम लोगों ने हर व्यक्ति को इस महाअभियान में सहयोगी बनाने का संकल्प लिया है। ठीक सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर के एन सिंह, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हम लोग आज पहली बार वन महोत्सव मना रहे हैं जी जी। तो ऑलरेडी ये ग्रीन कैंपस तो है, तो और भी हरियाली बढ़ाने का और सभी फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स को इस तरह का जो ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एक चांस दिया जा रहा है, और आगे से भी जो है नॉट ओनली इन द डे ऑफ वन महोत्सव और भी जो है जितना भी जो उनका अपना अपना मौके पर जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने के प्रेरित किया गया है। सो आज जो है उनका अपना जो है एक एक पेड़ अपना माँ के नाम पर लोग लगा रहे हैं, सो आगे भी जो है और हरियाली बढ़ेगी इस कैंपस में। सर देखा जाता है कि लोग इस पर जागरूक नहीं हो पा रहे, सर उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जागरूक तो अभी सभी लोगों को पर जो है किया जा रहा है। इस तरह का वन महोत्सव का उद्देश्य ये भी है कि जो अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जागरूकता लोगों के बीच में फैलाना है। सो सभी लोगों को जो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा सब ऐसा किसानों को जो है हम लोग जो मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत हम लोग शामिलित कर रहे हैं, उसमें जो है उनका अपना खेत पर मेड़ पर जो है अधिक से अधिक पौधा पेड़ पौधा लगाने का और उसका जो है लाभ भविष्य में उठाने की जागरूकता दिया जा रहा, जानकारी दिया जा रही है। इसके अलावा जो है जो गया जिला के जो है जितना भी जो जीविका दीदियों है उनके द्वारा भी जो है अधिक से अधिक पौधा लगाने की योजना है। अभी तो बारिश शुरू हुआ, बरसात के काल में जो है ये पूरे जिला में नॉट ओनली इन द फॉरेस्ट एरिया, आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में भी हम लोग पेड़ पौधा लगाने के उद्देश्य में है। सर अपना परिचय दे दीजिए। यस सुधाकर, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गया। धन्यवाद।